करता बाहर भी जा रहा है, और बाहर जाने के बाहर से नई जानकारी भी कलेक्ट कर रहा है। तो जो ग्रामीण समुदाय है, वह ग्रामीण समुदाय क्या कर रहा है, बाहर से एक संपर्क बन जाता है। ग्रामीण समुदाय के व्यक्ति तो बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन बाहर नहीं जा रहे, लेकिन नेता के कारण या उस लीडर के कारण ग्रामीण समुदाय का कनेक्शन कहां से बन रहा है, द एक्सटर्नल साइड, इन द एवरी रूरल कम्युनिटी वी've बीन कनेक्टेड बाय अ लीडर ऑफ एक्सटर्नल साइड्स। जब हम देखते हैं कि नेतृत्व करता है, जो नेता है, जो लीडर है, उस व्यक्ति के द्वारा बाहर की जानकारियों को ग्रामीण समुदाय में प्रदान किया जा रहा है, और इस आधार पर जो ग्रामीण समुदाय के व्यक्ति हैं वे बाहरी जगत से या बाहरी दुनिया से संपर्क स्थापित कर पा रहे हैं। नेक्स्ट जो हम देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है आपका परिवर्तन के वाहक, कैरीज ऑफ चेंजेस। तो हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो नेतृत्व करता है, नेतृत्व करता को हम क्या कह रहे हैं, परिवर्तन का वाहक। जब नेतृत्व करता बाहर जाता है, विभिन्न जानकारियों को एकत्र करता है और उन्हीं जानकारियों को ग्रामीण समुदाय में अप्लाई कर रहा है, जब उन्हीं जानकारियों को ग्रामीण समुदाय में अप्लाई करता है, तो ग्रामीण समुदाय में कहीं ना कोई परिवर्तन अवश्य आता है। इस तरह हम कह पाते हैं कि जो लीडरशिप है, उस लीडरशिप के कारण ग्रामीण समुदाय में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, और इन चेंजेस का जो जरिया है, जो वे है, वह कौन है, लीडर है। इस तरह हम देखते हैं कि नॉलेज हैज मेड सोसाइटी कॉन्सेप्टिंग एंड द ट्रेडिशनलिज्म विच इज सपोज्ड टू बी अपोजिट टू मॉडर्निटी एंड इनोवेशंस। व्हाट इफ एनी न्यू मेथड्स इज एक्सेप्टेड बाय द विलेज लीडर। वही बात मैंने कही है कि जब किसी प्रकार का परिवर्तन, क्योंकि गांव के व्यक्ति एक पुराने रीति रिवाजों को मानते रहते हैं और उन्हीं पर अपनी कार्य प्रणाली को आधार बनाकर कार्य करते हैं, लेकिन जब एक नेता बाहर जाके नई जानकारियों को लाता है और उन जानकारियों को ग्रामीण समुदाय के लिए प्रदान करता है या देता है, तो इस नई प्रणालियों से उस ग्रामीण समुदाय में जो परिवर्तन आते हैं, उन परिवर्तनों को बाहर हम किसे मान रहे हैं, लीडर्स को मान रहे हैं। हम देखते हैं कि नई जो व्यवस्थाएं आती हैं, उन व्यवस्थाओं को ग्रामीण समुदाय लीडर के आधार पर उन्हें स्वीकार कर लेता है। इन द एनी विलेज कम्युनिटी हु एक्सेप्टेड द न्यू मेथड्स एंड न्यू टेक्निक्स वाया लीडर बाय प्रोवाइडेड अ लीडर। यानी जो लीडर जिन तकनीकों को, नई तकनीकों को सीख के आया है, जानकर आया है, उन तकनीक को जब अपने गांव में बताता है या ग्रामीण समुदाय में बताता है, और ग्रामीण समुदाय उन मेथड्स को, उन टेक्निक्स को मानते हैं, स्वीकार करते हैं, इस स्वीकार के आधार पर क्या रहता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गांव में परिवर्तन आता है। तो हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक नेता के आधार पर या ग्रामीण नेतृत्व के आधार पर गांव या ग्रामीण समुदाय बाहरी जगत से भी जुड़ जाता है, बाहरी जगत से जुड़ने के साथ साथ अपने ग्रामीण समुदाय में एक परिवर्तन के वाहक के रूप में भी पहचाना जाता है। अगली जो कार्य है वह है योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। हम देखते हैं कि जो लीडरशिप है ग्रामीण नेतृत्व की, तो ग्रामीण नेतृत्व कर्ता जो है, यानी जो लीडर है, वह व्यक्ति क्या करता है, अपने ग्रामीण समुदाय को लेकर कुछ नई योजनाओं का क्रियान्वयन करता है या कुछ नई योजनाओं को बनाता है। और जब वह व्यक्ति कुछ नई योजनाओं को बनाता है, बनाने के साथ साथ उनका क्रियान्वयन भी करता है,
जब भी लीडर बाहर जाता है, मीटिंग करता है गांव का लीडर, क्योंकि हम देखते हैं कि जो नेता बन रहा है, जो लीडरशिप देख रहा है या संभाल रहा है, वह व्यक्ति एक निश्चित गांव में के साथ साथ अन्य बाहरी गांव में भी जाता है। जो बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपना नाम सेंड करते जाएं। जिस तरह हम देखते हैं कि ग्रामीण समुदाय का जो लीडर है, वे अपने गांव का प्रतिनिधित्व करने के लिए नई नई जानकारी, नई नई मीटिंग को अटेंड करता है। अटेंड करने पर वह व्यक्ति क्या करता है, अपने ग्रामीण समुदाय के लिए कुछ योजनाएं बनाता है और उन योजनाओं का क्रियान्वयन भी करता है। द विलेज लीडर फॉर द रूरल डेवलपमेंट एंड गेटिंग द स्कीम फॉर्मुलेटेड एज पर देयर सजेशन एंड सक्सेसफुल स्कीम ड्रॉन विद द एक्टिव सपोर्टेड ऑफ रूरल लीडर एंड मोर पर्टिकुलर एंड यूजफुल। हम देखते हैं कि जो लीडर है आपका या ग्रामीण समुदाय का जो लीडर है, कुछ नई नई योजनाओं का निर्माण करता है। क्यों कर पा रहा है? क्योंकि वह व्यक्ति उस गांव से निकलकर बाहर जाता है, और जब बाहर जा रहा है कोई व्यक्ति, तो उसे नई योजनाओं, नई प्लानिंग की जानकारी मिल जाती है, और जानकारी मिलने के उपरांत वह व्यक्ति क्या कर रहा है, उन जानकारियों को, उन योजनाओं को क्रियान्वयन अपने गांव में करता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि ग्रामीण नेतृत्वकर्ता जो है, अपने ग्रामीण समुदाय के लिए नई योजनाओं को बना भी रहा है और उनका क्रियान्वयन भी कर रहा है। इन रूरल कम्युनिटी अ लीडरशिप इज क्रिएटिंग अ सम स्कीम्स एंड दीज स्कीम्स आर फॉलो और आर एक्सेप्टेड इन रूरल विलेज। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि जो मेंबर है या ग्रामीण समुदाय है, वह योजनाओं को अपना भी रहा है और उनका पालन भी कर रहा है। तो इस तरह हम देखते हैं कि सबसे पहले पॉइंट जो हमने देखा, बाहर संपर्क का माध्यम बना हमारा कौन, लीडर। सेकंड हमने देखा परिवर्तन का वाहक, कैरीज ऑफ चेंजेस। नेक्स्ट हमने देखा योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन, प्लानिंग आ स्कीम एंड एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट हम देखें वैकल्पिक प्रशासक या अल्टरनेटिव एडमिनिस्ट्रेटर। वैकल्पिक प्रशासक का तात्पर्य है कि जब व्यक्ति, जो लीडर है हमारा, वह लीडर उस स्थान से, उस ग्रामीण समुदाय से कुछ समय के लिए कहीं और जा रहा है, तो उस ग्रामीण समुदाय के लिए वह कहीं ना कहीं एक वैकल्पिक व्यक्ति की नियुक्ति करके जाएगा, जिसे हम कहते हैं अल्टरनेटिव एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि वैकल्पिक प्रशासक। क्योंकि जो आप हमारा इंडिया, वह क्या है, रूरल कम्युनिटी या विलेज कम्युनिटी से बिलोंग करता है, और इस कम्युनिटी के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति जो इस कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, वह भी ग्रामीण समुदाय में संपर्क रखते हैं, और इस समुदाय को लेकर जो लीडरशिप है, जो मेन व्यक्ति है, लीडर है, वह व्यक्ति जब बाहर जाता है, तो उस व्यक्ति की एब्सेंस में, उस व्यक्ति की एब्सेंस में क्या रहेगा, कोई ना कोई व्यक्ति होना चाहिए। तो अपने द्वारा वह कुछ व्यक्तियों को या कुछ व्यक्ति को नियुक्त कर कर जाता है, जिसे हम कहते हैं अल्टरनेटिव एडमिनिस्ट्रेटर। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ द विलेज एंड देयर द फॉर्मल मीन्स ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज, पॉलिसी, एक्शन एंड मैनेजमेंट एंड द कंट्रोल आर नॉट एडप्टेड फॉर मेंटेनिंग अ पीस एंड ऑर्डर इन इट्स मिलीनियस ऑफ विलेज। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में यदि हम बात करें, तो एनी लीडरशिप या एनी लीडर विल बी
ट्रांसफर आवर वर्क सम टाइम फॉर रूरल कम्युनिटी। हम देखते हैं कि जब व्यक्ति जो लीडर है वह लीडर अपने कर्तव्यों के लिए कहीं बाहर जा रहा है, आउट ऑफ आवर रूरल विलेज, तब उस स्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन इस गांव के अंतर्गत या इस ग्रामीण समुदाय के व्यक्तियों के प्रति किसी अन्य व्यक्ति को अपने कर्तव्य सौंप कर जाता है, यही कहलाता है आपका वैकल्पिक प्रशासक या अल्टरनेटिव एडमिनिस्ट्रेटर। यानी कि एक एडमिनिस्ट्रेटर जो है उस एडमिनिस्ट्रेटर की एब्सेंट में, उस प्रशासक के एब्सेंट में किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा वहां का संचालन करने के लिए दायित्व और अधिकार सौंपना। नेक्स्ट हम देखें सहायता और मार्गदर्शन, असिस्टेंट एंड गाइडेंस। तो यहां पर हाँ बोलो बेटा, अभी आपका सेकंड यूनिट चल रही है ग्रामीण, जो आपका सेकंड पेपर है ना उसका चल रहा है। ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं ग्रामीण नेतृत्व। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट ठीक है बेटा, ठीक। वहां पर हम देख रहे हैं कि जो ग्रामीण नेतृत्व करता है वह कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, आपके लिए सहायता दे रहा है, आपका मार्गदर्शन कर रहा है। क्योंकि ग्रामीण नेतृत्व करता है का जो कार्य है अपने ग्रामीण समुदाय को क्या करना है, समृद्ध बनाना। इस समृद्धि के लिए क्या करना रहता है उसे, कहीं ना कहीं ग्रामीण समुदाय का नेतृत्व करना रहता है, नेतृत्व के साथ साथ उस ग्रामीण समुदाय की सहायता करना और उसका मार्गदर्शन करना। टुडेज लिटरेसी इन द इंडियन रूरल कम्युनिटी इज लो। यानी कि जो ग्रामीण समुदाय है, यह सेकेंड यूनिट सेकेंड पेपर, जो ग्रामीण समुदाय है आपका, उस ग्रामीण समुदाय में आज भी साक्षरता दर क्या है, कम है। या ये कहें कि साक्षरता दर ना के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में उस ग्रामीण समुदाय में अज्ञानता, भाग्यवादिता और विश्वास अत्यधिक है। इन द इंडियन रूरल कम्युनिटी इग्नोरेंस फॉलेस्ट एंड बिलीफ आर इमेसेंस, जिसे हम कहते हैं अज्ञानता, भाग्यवादिता और अंधविश्वास। ऐसी स्थिति में क्या है, अशिक्षा का प्रभाव ज्यादा रहता है। ग्रामीण समुदाय में हम देखते हैं कि व्यक्ति प्रत्येक स्थिति के लिए अंधविश्वासी रहता है, अशिक्षित रहता है। इन अ सच सिचुएशन द इलिटरल एंड इग्नोरेंट विलेज विल बी रिगार्डेड देम एज लीडर ऑफ द विलेज विथ रिगार्ड टू रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट फैसिलिटी एंड एक्सेट्रा। तो जहां पर अज्ञानता ज्यादा है, अशिक्षा ज्यादा है, वहां पर गांव का लीडर की ये जिम्मेदारी रह जाती है कि वह व्यक्ति जो लीडर है ग्रामीण समुदाय के लिए नियमों की जानकारी दे, सरकारी सुविधाओं की जानकारी दे, या सरकार के द्वारा जो नई नई योजनाएं लाई जा रही हैं उन सभी योजना की जानकारी कहाँ दे, अपने ग्रामीण समुदाय के लिए। और भी कई योजनाएं जो ग्रामीण समुदाय के हित के लिए आवश्यक हैं, उन योजनाओं की जानकारी ग्रामीण समुदाय को प्रोवाइड कराए। तो इस तरह हम देखते हैं कि ग्रामीण नेतृत्वकर्ता जो है उस ग्रामीण समुदाय के लिए सहायता के साथ साथ एक गाइडेंस या एक मार्गदर्शन या एक मार्गदर्शक का काम भी करता है। हमने पॉइंट देखे, पहला पॉइंट है बाह्य संपर्क का माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट
सेकंड हमने देखा परिवर्तन के बाहक, कैरीज ऑफ चेंजेस। नेक्स्ट हमने देखा योजना का निर्माण और क्रियान्वयन, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ स्कीम्स। नेक्स्ट देखा हमने वैकल्पिक प्रशासक, अल्टरनेटिव एडमिनिस्ट्रेटर। नेक्स्ट हमने देखा सहायता और मार्गदर्शक, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। तो ये सारी क्वालिटियां जो है, ये सारी जो कार्य हैं, जो भूमिकाएं हैं, ये किसकी है? लीडर की। और लीडर कौन सा है? ग्रामीण, रूरल लीडरशिप है ये, उनकी उनके फंक्शन भी कहे जा सकते हैं, उनके रोल भी कहे जा सकते हैं। और यहाँ तक कि मेरिट्स में भी यदि आपको लिखना है तो इन पॉइंट्स को आप मेरिट्स, रूरल लीडरशिप की मेरिट्स पर भी ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मूविंग इंफॉर्मेशन ऑफिस, यानी कि चलित सूचना कार्यक्रम। मूविंग इंफॉर्मेशन ऑफिस से तात्पर्य है, या चलित कार्यालय से आशय है कि जो लीडर है आपका, जिस तरह हम कहते हैं हमें किसी जानकारी को लेना है तो उस जानकारी से संबंधित व्यक्ति से हम क्या करते हैं? कांटेक्ट करते हैं और हमें जानकारी उपलब्ध हो जाती है। इसी तरह जो हमारा लीडर है उसके पास समस्त जानकारियां हैं, जब भी हमें किसी जानकारी की आवश्यकता पड़ती है हम क्या करते हैं? उस लीडर से मिलते हैं और अपनी जानकारी को कलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह हम कहते हैं कि जो लीडर है वह क्या है? एक तरह से जानकारियों का चलता फिरता ऑफिस, या जानकारियों का चलता फिरता कार्यालय। द विलेज लीडर हैव अ फुल नॉलेज अबाउट देयर विलेज एंड विलेज कंसीडर देम लोकल। यानी कि यहां पर हम देख रहे हैं जो लीडर है उस लीडर को गांव की समस्त जानकारी रहेगी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए जानकारी रख पाना निश्चित नहीं होता या पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन एक लीडर, चूंकि वह कार्य एक ही कर रहा है, अ लीडर वर्क डन इन विलेज इन एवरी साइड। लीडर का कार्य है कि गांव की समस्त जानकारियों को एकत्र कर रखना, ताकि समय पड़ने पर हम उस व्यक्ति से, हम उस लीडर से किसी भी प्रकार की जानकारियों को पूछ सकें। द विलेज हैज अ फुल नॉलेज ऑफ ऑल इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस एक्टिविटी। यानी कि जो ग्रामीण नेतृत्व करता है उसे गांव की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और यहाँ तक कि धार्मिक जानकारियां भी होती हैं। एवन द लीडर इज एक्वेयर टू द स्मॉल हैवनिंग इन डे टू डे लाइफ। और यहाँ तक कि उस लीडर के लिए प्रत्येक दिन की, दिन प्रतिदिन की समस्त जानकारियां हम उस लीडर से ले सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारा लीडर है वह एक्चुअल में क्या है? मूविंग इंफॉर्मेशन ऑफिस, चलित जानकारी कार्यालय। यानी एक तरह से वह व्यक्ति लीडरशिप तो कर ही रहा है, लेकिन लीडरशिप के साथ साथ व्यक्ति क्या कर रहा है? उस गांव की समस्त जानकारी, चाहे वह जानकारी आर्थिक से संबंधित हो, चाहे राजनीतिक जानकारी हो, चाहे सामाजिक जानकारी हो, चाहे धार्मिक जानकारी हो, उस लीडर के पास प्रत्येक प्रकार की जानकारी अवेलेबल रहेगी। द लीडर ऑल्सो अवेलेबल आ एवरी नॉलेज लाइक अ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड ऑल्सो आ रिलीजियस इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन लीडर। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि लीडर के जो कर्तव्य बताए गए हैं, या जो कार्य है उसकी जो रोल बताए गए हैं, यही रोल आपकी भूमिका भी कहलाएंगे, फंक्शन भी कहलाएंगे, यही आपके मेरिट्स भी कहलाएंगे। यदि आपके पास क्वेश्चन आता है कि ग्रामीण नेतृत्वकर्ता के भूमिका लिखिए, रोल कि व्हाट इज द रोल ऑफ रूरल लीडरशिप,
तब भी आपको यही पॉइंट लिखना है। यदि पूछता है कि व्हाट इज द रूरल लीडरशिप मेरिट्स, यानी कि ग्रामीण नेतृत्वकर्ता के लाभ क्या है, तब भी आपको लिखना है। ग्रामीण नेतृत्वकर्ता की ड्यूटीज क्या है, रूरल लीडरशिप ड्यूटीज, तब भी आपको यही लिखना है। क्लियर है? कोई डाउट किसी के लिए? हाँ बोलो। रागिनी क्या डाउट है, बोलो क्या डाउट है? दोरी कोई डाउट? निखिल, पलक, नमन, शीतल, ऐसा कोई डाउट? नेक्स्ट क्लास रहेगी आपकी, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ग्रामीण गुटबंदी, यानी ग्रामीण गुटबंदी से सीधा जिसे हम कह रहे हैं रूरल फंक्शन, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। रूरल फंक्शंस, ग्रामीण गुटबंदी, गुटबंदी से सीधा तात्पर्य रहता है कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा एक समूह का निर्माण कर लेना। वह समूह सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। एनी कम्युनिटी और अ रूरल कम्युनिटी की सम मेंबर्स अ क्रिएट अ सम ग्रुप एंड दैट्स ग्रुप अ नेगेटिव और आल्सो अ पॉजिटिव। क्योंकि जब भी गुट की बात करते हैं तो कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं, क्योंकि एक बात हम करते हैं समूह की, इन द समूह ऑल फंक्शन आर पॉजिटिव इन सोसाइटी, बट रूरल फंक्शंस समटाइम मे बी नेगेटिव, लाइक अ प्योरिटी ऑफ कास्ट, प्योरिटी ऑफ रिलेशनशिप एंड प्योरिटी ऑफ पावर। जिस तरह हम देखते हैं कि जब कोई गुट निर्माण हो जाता है, किसी गुट का बन जाना, तो वह गुट क्या करे, अपनी ही जाति को प्राथमिकता देगा, अपने ही रिलेशनशिप, अपने ही नातेदार, अपने ही रिश्तेदारों को प्राथमिकता देगा इन एवरी फील्ड। तो इस तरह के जो समूह कहलाते हैं वह कहलाते हैं गुट। इस टॉपिक पर हम नेक्स्ट क्लास में आपकी डिस्कस करेंगे, तो एक बार आप इस टॉपिक को स्वयं से भी पढ़ें कि ग्रामीण गुटबंदी क्या होती है। किसी को कोई डाउट? ओके।